नॉर्मली होटल इत्यादि की चेकिंग कराई जाती है कि कुछ लोग अवैध लोग न रह रहे हों, और उस दौरान एक कमरे में 3 लोग थे और उसमें धरपकड़ के दौरान एक आदमी भागने लगा और गिरने से उसे चोट आई। मुख्यालय स्तर से कहा गया है कि हर एक पहलू पे इस पे इन्वेस्टिगेशन कराएं कि एक तो पुलिस टीम गई क्यों, किस तरह की इन्फॉर्मेशन थी, और अगर वो चोट आई है तो किन कारणों से आई है। 3 सभी पहलुओं पे जैसे कोई बुलेट इंजरी नहीं है, गिरने की ही है, तो अन्य कितनी इंजरीज ऐसी हैं, तो ये सभी चीज़ों का चूँकि वीडियोग्राफी भी हुआ है पैनल के द्वारा, लोगों के द्वारा जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया है, तो सभी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। कानपुर के व्यापारी मनीष की गोरखपुर में पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। पुलिस के आला अधिकारियों को जब पता लगता है कि घटना के आरोपी आधा दर्जन पुलिस वाले हैं, तो बिना कोई इफ या बट के बड़े अधिकारियों ने अपनी गर्दन शुतुरमुर्ग की तरह रेत में छिपा ली। हमें कुछ नहीं पता। पुलिस ने पहले तो इस मामले को हवा में उड़ा दिया, लेकिन बात बढ़ गई और फिर बिगड़ गई, और इस कदर बिगड़ गई कि यूपी पुलिस शर्म के मारे गड़ गई, क्योंकि घटना मीडिया से लेकर विपक्षी दलों ने उठा ली। सोशल मीडिया से टीवी तक बस यूपी पुलिस की बर्बरता की कहानी वायरल होने लगी। मृतकों के परिवार वालों ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचते ही यूपी की कुंभकर्णी पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड हो गई। पहले प्रशासन के दूतों ने संभाला, मृतक की पत्नी को मामला रफा दफा करने को कहा, लेकिन जिसका आसमान ही फट गया हो वो दर्जी से क्या उम्मीद रखेगा। महिला ने दबाव डालने की बात मीडिया के सामने कह दी, लिहाजा राज्य के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस मुद्दे पर पुलिस का पक्ष रखने के लिए खुद सामने आए और अपने कारिंदों को बचाने के लिए भगदड़ थ्योरी पेश कर दी। साथ में ये भी कहा कि दोषी कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशांत कुमार गजब के पुलिस अधिकारी हैं। उनके नाम के आगे ADG लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ संकट मोचन भी लिखना चाहिए। मामला कुछ भी हो तुरंत एक थ्योरी लेकर आ जाते हैं साहब। हाथरस कांड तो याद ही होगा आपको, उस समय भी ADG साहब ने तुरंत आरोपियों को यह कहकर क्लीन चीट दे दिया था कि किशोरी के साथ रेप हुआ ही नहीं है। अब गोरखपुर वाले घटना में साहब रिलेटिविटी थ्योरी दे रहे हैं, एकदम E=MC². ADG साहब का कहना है कि पुलिस होटल में जांच करने पहुंची थी कि कुछ लोग वहां किन वजहों से रुके हैं, इसी दौरान वहां पर भगदड़ हुई और गिरने से मनीष गुप्ता को चोट आई है, ऐसा बताया गया है, लेकिन पूरे मामले की अब तफ्तीश की जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना 27 सितंबर की है और प्रारंभिक सूचना ये मुख्यालय पे आई थी कि नॉर्मली होटल इत्यादि की चेकिंग कराई जाती है कि कुछ लोग अवैध लोग न रह रहे हों, और उस दौरान एक कमरे में 3 लोग थे और उसमें धरपकड़ के दौरान एक आदमी भागने लगा और गिरने से उसे चोट आई, जिसकी बाद में दुखद मृत्यु हो गई। इस सूचना पे पूरे एक पैनल के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद से उनके घर के लोग जो कानपुर के रहने वाले व्यक्ति थे जिनकी डेथ हुई, और वो लोग गए वहाँ पर, उन्होंने एक तहरीर दी और जिसमें उन्होंने पुलिस वालों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, और तत्काल इसमें FIR पंजीकृत किया गया उचित धाराओं में 302 में, और पूर्व में ही 6 लोगों को स्थानीय स्तर से निलंबित कर दिया गया। इसमें जो मुख्यालय स्तर से निर्देश यही दिए गए हैं कि इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी विवेचना कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, इसकी जिम्मेदारी वहां के जोन के अधिकारी और वहां के रेंज के अधिकारी को दी गई है। कमाल है ADG साहब, ऐसा लगता है कि नए नए सिपाही से सीधे चौकी इंचार्ज बने हैं। बताइए, अगर होटल में पुलिस जांच के लिए गई थी तो वहां ऐसा क्या हो गया कि भगदड़ मच गया? नियम के मुताबिक अगर किसी संदिग्ध व्यक्ति पर पुलिस को शक होता है तो वह पहले होटल स्टाफ से उसकी ID प्रूफ और डिटेल लेते हैं, अगर फिर भी कोई डाउट रहा तो कानून के मुताबिक उससे पूछताछ होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरोप है कि पुलिस सीधे कमरे में पहुंची और खाकी का रौब दिखाने लगी, और बात इतनी बढ़ गई
कि आधा दर्जन पुलिस वालों ने बेचारे मनीष को पीट पीट कर मार दिया। और यह हम नहीं कह रहे, दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ साफ बताया गया है कि मृतक मनीष के शरीर पर कई जख्म मिले हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि मनीष के साथ बर्बरता की गई। खैर, इस मामले की जांच भी शुरू हो गई है और केस को कानपुर भी ट्रांसफर करवा दिया गया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि कहीं इस केस में भी आरोपी पुलिस वाले निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार की तरह फरार ना हो जाए और यूपी पुलिस फिर बस कागजी घोड़े ही दौड़ाते रह जाए। कानपुर से रंजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, यूपी तक।